वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ज्यादा 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 अच्छे होंगे। सो आज का जो वीडियो है ये है फ्रॉम द चैनल मेहरबान अली, जिनके हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। तो साथ में मुझे कमेंट भी आ रहे थे कि इमाम हुसैन ने उनके ऊपर कुछ लिखा गया था, तो उसके ऊपर आप वीडियो बनाओ कि उनका कुछ था, वो कुर्बान वगैरह हो गए थे। तो मुझे पूरा वाक्य तो पता नहीं है, बस मैंने एक वीडियो देखा था करबला का वाक्य, उसमें मोटा मोटा बता दिया गया था क्या था। सो एक डिटेल्ड वीडियो है, डॉक्यूमेंट्री अबाउट इमाम हुसैन, द ग्रेट सैक्रिफाइस ऑफ इमाम हुसैन, ये वीडियो का टाइटल है। सो विदाउट टॉकिंग मच मच, लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। सन 60 हिजरी, एक जालिम बादशाह ने इस सदा को बुलंद किया कि कोई दीन नहीं, कोई रसूल नहीं, ना ही कोई वही आई थी। ताकत दौलत के सामने पूरी दुनिया खामोश रही, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस एक चक्की पीसने वाली माँ और एक फटे पुराने और टूटी हुई चप्पल पहनने वाले बाप का बेटा हुसैन इब्ने अली उठा और कहा, ऐ यजीद, तू झूठा है, मेरा नाना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है ताकि इंसान अपनी इस्लाह कर सके। यजीद ने कहा, तू मुझे नहीं जानता, मेरे पास तलवार है, दौलत है, हुकूमत है। इमाम हुसैन ने कहा, मेरे पास सब्र है, शराफत है, सदाकत है। बस रात की तारीकी में इमाम हुसैन अपने नाना रसूल अल्लाह के रोजे पे आते हैं, अल्लाह के महबूब ख्वाब में आते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे नवासे, इसी दिन के लिए तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें इस्लाम पर कुर्बान होना है, अपना सब कुछ दीन खुदा पे फिदा करना है, अपने खून से इस्लाम की सदाकत को बयान करना है, अपने सर को तन से जुदा करवा के, नौके नैजा पे सवार करवा के कुरान की तिलावत को सुनाना है, ताकि रोजे महशर तक कोई यजीद ये कह ना सके कि तुम्हारा नाना झूठा था। बस ये कहना था। इमाम हुसैन अपनी बहनों बेटियों को लेकर मक्के से होकर कर्बला की तरफ रवा हो गए। फौजे यजीद ने चारों तरफ से मौला हुसैन को घेर लिया, 3 दिन से पानी बंद कर लिया। इमाम हुसैन सब्र करते रहे। शबे आशूर अपने तमाम चाहने वालों को एक खेमे में बुलाया और कहा, ऐ मुझसे प्यार करने वालों, ये जो बाहर फौज खड़ी है, ये सब मेरे नाना के दीन के दुश्मन हैं, मेरे बाबा के दुश्मन हैं, इन सबको मेरा खून चाहिए, मेरा सर चाहिए, मैं तुम सब के लिए हुज्जत तमाम करता हूँ, जाओ अपने गांव वापस चले जाओ, तुम्हारी जन्नत का जामिन मैं हूँ। बस ये कहना था। सब इमाम हुसैन को हसरत की निगाह से देखते रहे। इमाम हुसैन ने कहा, शायद तुम्हें आंखों की शर्म ने रोके रखा है, अब्बास चराग बुझा दो। चराग का बुझना था। इमाम हुसैन ने कहा, जाओ अपने अपने शहर वापस चले जाओ, तुम सब की जन्नत का जामिन मैं हूँ, तुम सबको शहादत का मर्तबा अल्लाह से मैं लेके दूंगा, जाओ। बस कुछ देर के बाद इमाम हुसैन ने जैसे ही चराग जलाया, क्या देखें, सबके सब तलवार अपनी गर्दन पे रख के कहते हैं, ऐ हमारे आका हुसैन, आपको छोड़ के कैसे जाएं, ना हमें जन्नत की लालच है, ना हमें जानों का खौफ है, सिर्फ इतना बताएं, जब रोजे महशर आपके नाना पूछेंगे कि मेरे नवासे को ऐसे ही छोड़ दिया, आपकी वालदा पूछेगी कि मेरे बेटे को ऐसे ही तलवारों के बीच में छोड़ दिया, तो उनको क्या जवाब देंगे, हमें आपके कदमों पे कुर्बान होना है। बस 10 मुहर्रम का सूरज तुलू हुआ, इमाम हुसैन ने कहा, अकबर अजान दो। अली अकबर की अजान से सहराए करबला गूंज उठा और नमाज फजर में ही इमाम हुसैन पे हमला हो चुका। एक एक इमाम हुसैन के कदमों पे कुर्बान होता गया। कभी हुर का लाशा आता है, तो कभी हबीब इब्ने मजाहिर का, कभी औन और मोहम्मद के लाश आते हैं, तो कभी कासिम के टुकड़े मिलते हैं। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना रसूल अल्लाह से बहुत प्यार करते थे। अपने नाना की रहलत के बाद बार बार अपने बाबा अली से कहते थे, बाबा मुझे नाना की बहुत याद आती है। इमाम अली कहते थे, ऐ हुसैन, नमाज में दुआ मांगा करो, अल्लाह तुम्हें हम शिकले पैगंबर अता करेगा।
तो अल्लाह ने अली अकबर अता किया। जब भी नाना की याद आती थी अली अकबर की जियारत किया करते थे। जब अली अकबर ने कहा, बाबा मुझे भी इजाजत दें ताकि मैं भी आपके कदमों पर कुर्बान हो जाऊं, इमाम हुसैन ने फरमाया, जा अकबर अल्लाह के दीन पे कुर्बान हो जाओ। बस जैसे ही घोड़े की जीन से सभी पे आते हैं, इमाम हुसैन अली अकबर के पास आते हैं, देखते हैं जवान बेटा 18 साल का अली अकबर। कहते हैं, बाबा मेरे सीने में बहुत तकलीफ है। बस जैसे ही सीने के हाथ को हटाना था, इमाम हुसैन देखते हैं एक पर्ची है जो अली अकबर के कलेजे में लगी है। बस हाथों से पर्ची को पकड़ा है और आसमान की तरफ निगाह करके कहा, ऐ दादा इब्राहिम देख ले, जब आप कुर्बानी दे रहे थे आपकी आंखें बंधी हुई थी। देखो मेरे दादा इब्राहिम मैं किस तरह से कुर्बानी देता हूँ। बस अल्लाह अकबर कहकर जैसे ही बर्ची को निकाला, अली अकबर तड़पने लगा और बर्ची के साथ साथ अली अकबर का कलेजा इमाम हुसैन के हाथों में आ गया। बस खून अकबर को लिए कहते हैं, ए अल्लाह कबूल करना, तेरे इस्लाम के लिए मैंने अकबर भी कुर्बान कर दिया। और आके अपनी आखिरी हुज्जत तमाम करते हैं, फौज यजीद के सामने कहते हैं, हल मिन नासिर यनसुरना, है कोई इस पूरी दुनिया में मुझ गरीब हुसैन की मदद करने वाला। बस सोए हुए लोगों के सोए हुए जमीर खामोश रहे, लेकिन एक 6 माह का अली असगर अपने आप को अपनी माँ की गोद से गिरा के कहता है कि मुझे भी मैदान में ले चलो, मैं भी अपने आका हुसैन के कदमों पे कुर्बान होऊंगा। बस इमाम हुसैन को बीबी रुबाब ने अली असगर दिया और कहा, ऐ मेरे आका ये सोता नहीं, इसे पानी पिलाओ। इमाम हुसैन अपने 6 माह के असगर को लिए मैदान में आते हैं और कहते हैं, ऐ लोगो अगर तुम्हारी जंग है तो मेरे नाना के दीन से है, अगर तुम्हारी नफरत है तो मेरे बाबा अली से है, मुझसे है। इस 6 माह के बच्चे ने क्या कसूर किया है? 3 दिन से पानी न पीने की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, बस चंद कतरे इसे पानी पिलाओ। तो किसी जालिम ने कहा, असगर अगर खुद पानी मांगेगा तो हम उसको पानी पिलाएंगे। बस जैसे ही इमाम हुसैन ने कहा, असगर पानी मांगो, ये सुनना था, उमर बिन साद ने कहा, हुरमिला जल्दी असगर का निशाना ले और जल्दी तीर से इसका काम तमाम कर, ये आले रसूल हैं, इसमें कोई शक नहीं, आज असगर पानी मांग लेगा। और अगर असगर की मासूम आवाज फौजे यजीद तक पहुंची तो सब के सब लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। और जिस तीर से जानवरों का शिकार किया जाता था, 1-6 माह के बच्चे पर वो तीर चलाया, उस तीर की 3 नोकें थी। तारीख ने लिखा, 1 अली असगर के कान में लगी, 1 गले में लगी और 1 कमर में लगी। तीर इतना भारी था कि जहां जहां तीर जा रहा था असगर भी वहां वहां जा रहे थे। तीर अली असगर को चीर के इमाम हुसैन के बाजू पे आ लगा। इमाम हुसैन ने जैसे ही अपने मासूम असगर को देखा, तारीख ने लिखा, कुछ खून निकला, कुछ माँ का दूध अली असगर के जिस्म से निकला। इमाम हुसैन ने उस खून को लेके आसमान की तरफ फेंकना चाहा, आसमान रोने लगा, जमीन की तरफ फेंकना चाहा, जमीन तड़पने लगी। वो खून असगर अपने चेहरे पे मल लिया और कहा, रोजे महशर मैं अपने नाना को दिखाऊंगा कि नाना आपके दीन के लिए मैंने असगर किस तरह कुर्बान किया। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए और आके सैयदुल साजिदीन ज़ैनुल आबदीन को वसीयत करते हैं कि ऐ सज्जाद मेरे बाद दीन की हिफाजत करना, नमाज कज़ा नहीं करना, कदम कदम पे अपने नाना की सदाकत और रिसालत को बयान करते रहना, अपनी बहनों से बेटियों से अलविदा कह के मैदान में आते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा को बुलंद करते हैं। जो भी अली के शेर के सामने आता है फिर नार होता जाता है, जो भी हुसैन के सामने आता है फिर नार होता जाता है। बस सबने ये मिलके फैसला किया कि ये अब्बास का भाई है, अली का बेटा है, रसूल अल्लाह का नवासा है, इससे कोई जीत नहीं सकता, दूर चले जाओ और दूर से तीर चलाओ, पत्थर
चलाओ ताकि हुसैन घोड़े की जीन से जमीन पे आ जाए। बस तीरों की बरसात हुई नबी के नवासे पर, ज़हरा के लाल पर। बस रसूलल्लाह का नवासा जब घोड़े की जीन से जमीन पे आया, न जीन पे था न जमीन पे था, तीरों के मुसल्ले पे था। उमर बिन साद ने कहा, हुसैन का सर काटो। जो भी हुसैन का सर काटने के लिए करीब जाता है, जैसे ही देखे हुसैन की आंखों में रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आता है, वो रोकर वापस आ जाते हैं। बस शिमर करीब आता है और ये कहता है कि ये काम मैं ही करूँगा, और गर्दन पे इमाम हुसैन की छुरी रखता है। जैसे ही छुरी को चलाना शुरू करे, देखे इमाम हुसैन के मुबारक लब हिल रहे हैं। वो सोचता है कि शायद हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे हैं। करीब आके सुनने की कोशिश करता है, क्या सुने? इमाम हुसैन के मुबारक लबों से आवाज आती है, ऐ अल्लाह मेरी कुर्बानी कबूल करना, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस अजीम इम्तिहान के लिए चुना। और इमाम हुसैन के खून के एक एक कतरे ने कयामत तक इस सदा को बुलंद कर दिया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम उनके रसूल हैं। बाद हुसैन खयाम चलाए गए। इमाम हुसैन की बहनों को कैद किया गया, बाजारों में फिराया गया, पत्थर मारे गए। लेकिन इमाम हुसैन का कटा हुआ सर नौके नैजा पे सवार होकर भी कुरान की तिलावत सुनाता गया और दुनिया को बताता गया कि दीन हक क्या है। सलाम हो दीन बचाने वाले नवासाए रसूल हुसैन इब्ने अली पर, हुसैन इब्ने अली पर। ये वीडियो देखने के बाद किसी को भी रोना आ जाएगा, किसी को भी बहुत ज्यादा इमोशनल फील होगा, क्योंकि इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए, कि सिर्फ अल्लाह ही इबादत के काबिल है और किसी इंसान की इबादत मत करो, सिर्फ उसके पास, किसी के पास किंगडम है, पावर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी इबादत करने लग जाओगे, अल्लाह की इबादत करो। ये संदेश देने के लिए इन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, इन्होंने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया। मतलब इमाम हुसैन मरते दम तक भी यही बोले थे, मुझे इस मुश्किल इम्तिहान के लिए चुनने के लिए आपका शुक्रिया और मेरी कुर्बानी कबूल करिए। तो बहुत बहुत इमोशनल स्टोरी है। कोई आइडिया नहीं था कि ये वीडियो इतनी ज़्यादा इमोशनल होने वाली है, और मतलब हमें दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं था कि ये इतनी ज़्यादा इमोशनल होने वाली, क्योंकि इसमें इतने सारे जो भी मतलब इतनी सारी कुर्बानियाँ दी थी इन्होंने। लाइक मतलब जब हमने टाइटल पढ़ा था, मतलब हमें पता था इमाम हुसैन के बारे में, मतलब नाम सुना था, बट ये नहीं पता था कि इसके पीछे एक्चुअली में स्टोरी क्या है, क्या थी। बट इस वीडियो से हमें ये पता चला है, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी, जैसे एक वो लास्ट वाली थी कि जब उनका सर काटा था तो भी वो कुरान बोल रहे थे, तो वो मतलब चीज़ बहुत मिरेकल टाइप की थी ना। हाँ, और मतलब लाइक इतने सारे मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल मतलब कोई कोई जगह पे बहुत ज़्यादा लगा था कि वो जो छोटा सा बच्चा था, 6 मंथ का बच्चा था वो, और मतलब यार उसको प्यास लगी थी 3 दिनों से, आई थिंक उन्होंने पानी नहीं पिया था, तो मतलब उसको तीर से मार दिया, जो कि आई थिंक जानवरों को कुर्बानियाँ देने वाले इतनी हिम्मत। तो मैं जो देख रही थी, मैंने अपने ही जिम्मे अपने गुरु गोबिंद सिंह जी का उही सीन याद आई जाता है, छोटे साहब याद आता सिंघां दा, कि उही स्टोरी है ना सेम इवें करके उन्होंने भी हुई, क्योंकि जो दो साइडा होंगे ना, दो पासे होंगे कि एक जरा तू उस कुदरत तो उस परमात्मा तो है ना वह वक्रा करने की कोशिश करते हो, कहते कि तुम साढ़े अधीन रहो है ना, क्योंकि हर जो भी ताकतवर इंसान है ना वह हमेशा रब बनना मतलब सिर्फ बुत ही कले हो, कोई एक इंसान आ जिहड़ा सामने दिखता पिया है ते उनू तुसी पूजना या और ताकतवर है उनू तुसी पूजना या, पर जिहड़ा असल दे विच धर्म जिहड़ा है भावें इस्लामिक आ भावें सिखिज़म आ है ना, वह इहो चीज़ सिखाउंदा है कि नहीं, वह ताकत हो रही है जिहनू आपां रब कहिंदे आ, ताकत वह किसी
इंसान के रूप के नहीं है, है ना। किसी भी आप कह सकते कि मूर्ति बना के आप पूज नहीं सकते, है ना। वो साढ़े अंदर हो हर थान वसदी आ, साढ़े अंदर भी वसदी आ, साढ़े जो दुश्मन आ, ईवन कि जो इंसान जिन्हों इस्लामिक जे आप देखिए इस्लाम धर्म के शैतान भी कहा जाता ना, उन्होंने भी तुम देखो कि जो परमात्मा का उस जो रब का अंश आ वो पाया जाता है, बस ये कि वह मुड़कर आ उस चीज़ तो। ये था हमारा वीडियो ऑन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की डॉक्यूमेंट्री। बहुत ज़्यादा इमोशनल था ये वीडियो, है ना, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। मुझे पता नहीं था, मतलब बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा इमोशनल वीडियो होगा ये, एंड वेरी इमोशनल। एंड मुझे इमाम हुसैन साहब के बारे में भी नहीं पता था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में भी नहीं पता था मुझे। और जैसे उन्होंने बताया कि ही वॉज़ अ ग्रैंड सन ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, है ना। एंड तो लाइक उनके जो मॉम थे, मतलब उनके जो वालिदा थे वो कौन थी, वो भी मुझे अभी तक पता नहीं है। मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगा या फिर मैं ऐसे कुछ बना के नहीं बोल सकता, और बोलना भी नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल सही सही बोलना चाहिए, जो भी है कुछ भी अपने मन से नहीं बोलना चाहिए। तो मुझे वो चीज़ के बारे में भी पता नहीं है, बट ये वीडियो देख के इतना तो पता चला है कि जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी थे, उन्होंने उनके जो नाना की जो दीन की जो थी, दीन की जो हिफाजत की है, बहुत सही तरीके से हिफाजत की है, वो झुके नहीं ना, वो पीछे हटे, है ना। एंड उन्होंने अपनी बच्चों की और अपनी खुद की भी उन्होंने पूरा मतलब कुर्बान कर दिया अपने नाना के दीन के ऊपर, है ना जी। मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी और उनकी फैमिली, और चाहे उनके बच्चे हों, है ना, चाहे वो खुद हों, चाहे सहाबी हों, चाहे कोई भी हो, उन्होंने बहुत दुख सहे हैं। मेहरबान अली यार, बहुत अच्छा वीडियो। सो गाइस, क्वाइट इमोशनल वीडियो, बिकॉज जिसने भी वीडियो बनाई है मेहरबान अली, बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत ज़बरदस्त। और उन्होंने मुझे बहुत मुश्किलात से ये वीडियो बनाई उन्होंने, क्योंकि जो वॉइस थी उनकी, तो उसमें दर्द बहुत अच्छे से महसूस कर सकते थे। जब जब मतलब एक दौर आता है ना, एक पल आता है जब बहुत, जिसे कहते हैं ना ज़ुबान भी निकलनी बहुत मुश्किल हो जाती है लोगों की, उस दौरान जब तुम सुन रहे थे इनकी वॉइस जो कि इन्हें स्पीक करी है, बहुत दर्द भरी थी, बहुत दर्द भरी थी। इन्होंने आखिर कैसे मतलब बयां कर दिया, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा यार, क्योंकि मैं तो भाई खुद नहीं सुना सकता किसी को। बहुत अच्छी, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था ये इमाम हुसैन का। मुझे फाइनली समझ में आ गया कि आखिर लोग मुहर्रम क्यों बनाते हैं, क्योंकि सेक्रीफाइस उस दिन इमाम हुसैन का हुआ था, जो कि पैगंबर मोहम्मद पैगंबर के नाती थे, ग्रैंडसन थे, और उनका एक लड़का भी था अली अकबर, जो कि उनका भी मर्डर कर दिया गया था, वो भी शहीद हो गए थे। करबरा का आई थिंक वो करबरा ही कहते ना यार, हाँ जहाँ तक मैं सही कह रहा हूँ, करबरा का ही था वो, वहाँ पे शहीद हुए। पूरा समझ में आया कि क्या हिस्ट्री रही थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो नमाज़े थे हुसैन, उन्होंने कुर्बानी दी थी, इसीलिए मुहर्रम के 10वें दिन जो है वो मतलब मैंने एक वीडियो देखा था, मुझे इंस्टा पे किसी ने सेंड किया था, कि वो नुकीली चीज़ों से खुद को चोट पहुंचा रहे थे, एंड पता नहीं क्या कर रहे थे, मुझे नहीं पता उसके बारे में, लेकिन मुझे यही बताया गया था। मैंने जब उनसे पूछा कि ये हो क्या रहा है, तो मुझे यही रिप्लाई आया कि जो मोहम्मद जो इमाम हुसैन थे, उन इमाम हुसैन जो थे उनकी कुर्बानी हुई थी, उन्होंने कुर्बान किया था खुद को, इसीलिए 10वें मुहर्रम को ये सब किया जाता है। आप भी डिटेल वीडियो देखना, तो ये डिटेल वीडियो मैंने देखा, सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल था, मतलब लिटरली मैं रोने वाली थी, इतना ज़्यादा इमोशनल था। इसके अंदर जो जिस तरीके से वो बयान कर रहे थे ना, जो मेहरबान अली, वो किस तरीके से बयान कर रहे थे, वो इतना था कि मतलब ऐसा लग रहा था कि सामने ये सब कुछ हो रहा है, हम सामने देख रहे हैं, बिल्कुल उनका बयान करने का तरीका भी ऐसा था कि सामने सब कुछ हो रहा है और हमसे रुका नहीं जा रहा कि क्या हो रहा है, देखा नहीं जा रहा आंखों में। मतलब एक 6 महीने का बच्चा, आप सोचो तीर जब उसके ऊपर लगा होगा तो उसका क्या हाल हुआ होगा, उसका मतलब उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, इतना सब कुछ था, मतलब मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ गाइस, सच में। ये वीडियो काफी ज्यादा इमोशनल था, एंड आज मुझे हिस्ट्री का ये पूरा पता चल गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ था, शायद वहीं पे ही ये सारा कुछ जो है वहीं पे ही खत्म हो गया था, उनकी बहनों वगैरह को ले गए थे वो लोग और अपने उसमें कर लिया था कब्जे में, या फिर इसके बाद भी और सब कुछ चला, वैसे यहीं पे शायद ये हो गया था, यहीं पे ही खत्म हो गया था इसके बाद, तभी तो ये आखिरी हिस्ट्री। और इसी को वो इतना बोलते हैं ना कि शोक मनाते हैं, तो मुहर्रम के 10वें दिन वो इसीलिए शायद शोक मनाते हैं, क्योंकि जो अब्बल में जो है उनके पापा ने कुर्बानी की थी, और उसके बाद उन्होंने कुर्बानी की उनके
एक जवान बेटे जो कि 18-20 साल का था उसने कुर्बानी की, 6 महीने के बेटे ने कुर्बानी की, तो ये बहुत ज्यादा कुर्बानी हो चुकी थी यहाँ पे, तो ये बहुत ज्यादा इमोशनल कर देने वाला वीडियो है सच में, और मुझे ये बहुत पहले देखना चाहिए था बट मैंने अब देख लिया। आई होप कि आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।